पता ये कि पिछले दिनों जो बहुत ही कायराना हरकत किया गया आतंकवादियों के द्वारा और 40 से ऊपर जवान शहीद हो गए, इस तरह से बहुत दिनों से ये चल रहा था और अब जिस तरह से सरकार का बयान आ रहा है कि हम कुछ बड़ा करेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना से? आपको क्या कहना चाहते हैं इस घटना से? तो पूरा देश दुखी है और पूरे देश का बच्चा उसके मुंह है देश का। पाकिस्तान अगर देश के बच्चे को भारत इजाजत दे दे तो पाकिस्तान को ईंट से ईंट, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देगा। भारत अभी उसकी तरफ घूम के नहीं देखा है, नहीं तो वैसे वैसे पाकिस्तान को भारत जब चाहेगा चुटकी से मसल देगा। और हम अपनी फौज से, अपने भारत सरकार भारत की फौज से हम आग्रह करेंगे कि उसको जवाबी हमला उस पर होना चाहिए और ऐसा हमला हो कि फिर दोबारा ये जरूरत नहीं करे कि भारत की तरफ आंख उठाने की। आज जो ये हमला किया गया फौज की ओर से, हम फौज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको सलामी करते हैं और हम उनका इस्तकबाल करते हैं और हम उनसे ये बात बार बार कहेंगे कि वो कमजोर नहीं है, हिंदुस्तान का बच्चा हिंदुस्तान की औरतें हमारी माँ बहनें सबके सब फौज के साथ है। जैसा जवाब देना होगा हम लोग जवाब देने के लिए तैयार है पाकिस्तान। नीतीश कुमार बहुत ज्यादा इससे गदगद दिखे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, आप तो जदयू से हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? नीतीश कुमार देश बहुत बड़े देशभक्त हैं, उनके बारे में अगर जो भी बात कही जाए वो भी कम है। नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री हैं देश के पैमाने पर, है नहीं, के जो काम उन्होंने करके दिखाया है आप तक बिहार की धरती पर ऐसा कोई मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ। और ये अगर इनको इतनी मजबूती ताकत इनके पास होती पाकिस्तान को जवाब देने में ही खुद नहीं चुकते। मायाघाट की आवाम की ओर से और बिलासपुर पंचायत की जनता की ओर से और अपनी ओर से अपने शहीदों को बहुत बहुत सच्चे दिलों से श्रद्धांजलि करते हैं और उनको नमन करते हैं, उनको इस्तकबाल, उनको सलाम करते हैं। सेना के ऊपर ही तो फख्र है सब लोगों को और हमको, हम ही को क्या कि पूरे देशवासियों को सेना पर फख्र है कि सेना देश की हिफाजत के लिए उनको जो जद्दोजहद करना पड़ेगा वो करेंगे और देशवासी उनके साथ कंधा में कंधा जोड़ करके, कदम पर कदम जोड़ करके उनके साथ चलेंगे। इसलिए उनको विश्वास के साथ कहते हैं कि पूरे भारत के बच्चा उनके साथ है, वो आगे बढ़े, हरत आप उनके साथ रहे। आपके चैनल के माध्यम से हम फौज को ये कहना चाहते हैं कि अगर फौज को, हमारे हिंदुस्तान की फौज को हमारे ब्लड, हमारे बच्चों के ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो हम हंसते अपने बच्चों का ब्लड, अपना ब्लड हिंदुस्तान की फौज के लिए दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।